हाय, आज मैं एप्रन गर्ल आपके लिए लाई हूँ दार्जिलिंग टी की रेसिपी। दार्जिलिंग की चाय की पत्ती वाली ये चाय उबाल कर नहीं बनाई जाती, इसे दम करके बनाया जाता है। करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट रेसिपी के साथ हम लोग परफेक्ट दार्जिलिंग टी बनाएंगे। सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले 2.5 कप पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घर में इलेक्ट्रिक केटल है तो वो यूज कीजिए, वरना गैस पर पैन में भी पानी उबाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि पानी अच्छे से खौले। अब एक टी पॉट और कप एंड सॉसर लेते हैं। इन्हें थोड़ा गर्म कर लेते हैं। उसके लिए पॉट में थोड़ा सा उबला हुआ पानी डालते हैं और फिर यूं चलाकर उसे कप में खाली कर लेते हैं। अब केटल में 2 चम्मच दार्जिलिंग टी की पत्तियां डाल लेते हैं। पूरी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं ये, वो छोटी दानेदार वाली पत्ती नहीं। अब अपने उबले हुए पानी में से 4-5 बड़े चम्मच पानी इसमें डाल लेते हैं और फिर केटल को बंद करके 2 मिनट के लिए चाय की पत्तियों को भीगने देते हैं। कप में पानी इसलिए डालकर रखा है कि बाद में चाय डालते समय कप गर्म रहे। अब जब तक ये पत्तियां भीग रही हैं, इस बीच हम पानी को एक बार फिर से तेज खौला लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि पानी बस गर्म ना हो, यूं तेज खौलता हुआ हो। कभी कहीं चाय जब बहुत अच्छी लगती है तो उसमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हम 2 कप खौलता पानी अपनी केटल में डालते हैं। अब केटल को ढक देते हैं। घर में टिकोजी है तो उससे या फिर किसी भी नैपकिन को फोल्ड करके उससे भी इसे ढक सकते हैं। अब इसे 3-4 मिनट के लिए दम होने देते हैं। तब तक दार्जिलिंग टी को पीने के लिए माहौल बनाया जाए। अब 3-4 मिनट बाद कवर हटाते हैं। दार्जिलिंग टी दम हो गई है, इसे एक बार चला लेते हैं। केटल बंद करते हैं और कप के पानी को अलग करके कप खाली कर लेते हैं। अब चाय छान कर कप में डालते हैं और फिर इसमें डालते हैं गरम दूध। दूध बहुत थोड़ा डालना होता है, बस 2-3 चम्मच ही डालिएगा और वो भी गरम किया हुआ। अब अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालते हैं, चीनी को मिलाते हैं और देखिए दार्जिलिंग टी तैयार हो गई है। एकदम रॉयल चाय, एक स्पेशल टेस्ट, एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है दार्जिलिंग टी पीने का। बस इसे बनाने में मेरे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक पर पेज लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। एप्रन गर्ल के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। बाय बाय।